शेर के साथ मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि उठ है मजलूम, अब तेरे दौर का आगाज है। काफी साथियों ने विचार दिए और मैं भी एक विचार ही दूंगा आपको कि ये तो तय है कि हम जातियों में बटे हुए हैं और जातियों के साथ साथ हम संगठनों में बटे हुए हैं। मैंने पिछले दिनों से ये देखा है कि नित रोज नया एक संगठन उभर कर आता है और वो संगठन अपने नियमों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए काम करता है। मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि संगठन तो हजारों बने, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो सभी संगठन जिस कैटेगरी में काम करते हैं, जैसे कि राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, धार्मिक हैं, वो संगठन बाबा साहब के मूल संगठनों तक भी पहुंचे अगर आपको ये लड़ाई लड़नी है। और बाबा साहब का मिशन प्रबुद्ध भारत जब ही बनेगा, तो साथियों बाबा साहब की बातें हम करते हैं, बाबा साहब के संगठनों की बातें नहीं करते। अगर किसी संगठन में, बाबा साहब के बने हुए संगठन में कोई कुरीति है भी, संगठन बाबा साहब का है, पवित्र संगठन है, उन कमियों को हम दूर कर सकते हैं सामाजिक स्तर पर बैठकर। तो मेरा यही संदेश होता है केवल कि बाबा साहब के जो मूल संगठन है वो पुनर्जीवित हो, शक्तिशाली हो, और हम हर लड़ाई लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।